अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कोरोना के खिलाफ एक विशाल टीकाकरण अभियान रतलाम जिले में चलाया जाएगा। शनिवार को पत्रकारों के साथ चर्चा में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसकी जानकारी दी है। कलेक्टर ने लोगों से टीका लगवाने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए आह्वान किया है। कहा कि टीकाकरण वायरस संक्रमण से बचाव का बेहतर तरीका है। 21 जून से 30 जून तक चलेगा विशाल टीकाकरण महाभियान। अभियान के तहत लोगों को अभियान के प्रति जन जागरूक करने तथा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए आज रावटी में फ्लैग मार्च निकालकर सभी को संदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वैक्सीन को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं, उनको न मानकर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा वैक्सीन लगवाने वालों को प्रोत्साहित और उपहार भी दिया जाएगा। इसी तरह की अनूठी पहल की जा रही है। वहीं वैक्सीनेशन होने से तीसरी लहर का आने का जो अंदेशा है उससे बचा जा सकता है। वैक्सीन कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा चक्र है। कोविड संक्रमण से सभी को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। अतः न केवल वैक्सीन लगवाकर स्वयं को कोरोना से सुरक्षित करें अपितु दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्ग के लिए पर्याप्त मात्रा में टीकों की व्यवस्था रहेगी। हेलो, गांव में जबकि पूरे रतलाम जिले में हर जगह वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा महाअभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हम सबको 18 से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को हमें वैक्सीनेशन करवाना है। हमें जिम्मेदारी लेनी है कि हमारे घर के अंदर जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, 18 प्लस से ऊपर हमारे जो भी भाई बहन हैं, कृपया अपना वैक्सीनेशन कराएं। में हमारे पास वैक्सीन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही है। पहले हमारे पास 100-100 स्लॉट के हमारे सेशन लग रहे थे, सत्र लग रहे थे। अभी हमारा जो सेशन रहेगा वो 500 वैक्सीन लगभग का रहेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक ही दिन में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, पर आप लोगों को यह जिम्मेदारी खुद भी लेनी होगी कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं 18 से ऊपर वाले, उन सब का वैक्सीनेशन हो, ताकि यह बीमारी से हम लोग बचे रह सकें। जो तीसरी लहर है उसमें भी हम लोग अगर सब वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो बच्चों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना हम सोच रहे हैं, और फिर से लॉकडाउन की जो स्थिति है वो नहीं बनेगी। तो लॉकडाउन ना लगे इसमें हमारी सहायता करें, सब लोगों का वैक्सीनेशन करावें, और आसपास के जितने भी लोग हैं जो भ्रांतियों से ग्रसित हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, कृपया उन लोगों को भी समझाएं थोड़ा, और सत्र स्थल पर लेकर आए बालक छात्रावास में। सुबह 8 बजे से शाम को 4-5 बजे तक वैक्सीनेशन का ये टीका लगाया जाएगा कोविड का। सभी आए और अपना वैक्सीनेशन कराएं, आसपास के घर वालों को भी बोलें, उनको भी लेकर आए। हम लोग कुछ चीजें कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। अगर कोई व्यक्ति 45 से अधिक वर्ष के जितने भी लोगों को लेके आएगा, अगर एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को लेके आता है, कोई भी एक व्यक्ति अगर 5 व्यक्ति जो वैक्सीनेशन अभियान है उसकी शुरुआत की जाने वाली है, और क्या क्या अरेंजमेंट ये रतलाम में और पूरे प्रदेश में कोरोना किसी नियंत्रण में आ गई है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर संभावित हो सकती है, हमारी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। उसके लिए जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारगर उपाय है कि तीसरी लहर से हमारी जनरेशन प्रभावित न हो, हमारे बच्चे प्रभावित न हो,
हमारा समाज प्रभावित न हो, इसके लिए वैक्सीनेशन सबसे आवश्यक है। और इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए 21 जून से पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। पहले वैक्सीन की कमी थी, 18 प्लस के लोगों के लिए स्लॉट लिमिटेड होते थे, अब वो सारे बंधन खत्म हो गए हैं। कल शहर में हर वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे लोग आके वॉक इन अपना वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सबसे पूरे शहर से जिले से अनुरोध है कि हर नागरिक आके 18 साल से जो ऊपर का है वैक्सीन लगाए, जिससे कि हम संभावित खतरे से अपने को, अपने परिवार को, समाज को, जिले को बचा सकें। फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को जो है जिले में बेहतर स्थिति है, लेकिन सर जो रह गए हैं वैक्सीनेशन के, उनके लिए सर किस तरह के निर्देश जारी किए हैं या उनके लिए कोई? देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को तो हम अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराएंगे। हमने सारे जिला अधिकारियों से विभिन्न विभागों के कहा है कि वो अपने अधिकारी कर्मचारियों की सूची बना लें और सूची के हिसाब से 100% सुनिश्चित कर लें कि सबके वैक्सीन लग गए, और ये काम वो अगले 7 दिन में कर लेंगे। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनलॉक की जो प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि अगले 7 दिनों के भीतर सभी दुकानदार, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठेले वाले, खोमचे वाले, चाय पोहे का व्यापार करने वाले, और वो ऐसा कोई भी व्यापार जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति उनसे मिलते हों, सलून का काम है, वो सब अपना वैक्सीन अनिवार्य रूप से करा लें। 7 दिनों के बाद अगले सोमवार से प्रशासन जाके मौके पे जांच कर सकता है, और अगर कोई सेंटर या कोई दुकान या कोई व्यापार बिना वैक्सीनेशन के उनके व्यापार कर्मचारी ऐसा करते पाए गए तो प्रतिष्ठान को बंद कराया जा सकता है। कैनन न्यूज के लिए रावटी से सुनील टाक की रिपोर्ट।